डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन अरविंद शर्मा का नमस्कार। ये राज्यपाल जी के अभिभाषण से शुरू हुआ और राज्यपाल जी के अभिभाषण के पश्चात अभिभाषण पर चर्चा हुई और बड़ी खुशी है कि लगभग 25 जो सदस्य जो उसमें से ज़्यादा जो नए चुन करके आए उन सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में बड़े अच्छे ढंग से भाग लिया। और तीसरे दिन कुछ दो बिल थे, एक PWD B&R का था और दूसरा जो था वो GST को लेकर के कुछ संशोधन जो डिपार्टमेंट्स ने किए थे उनको यहाँ पर किया गया, पास किया। आज जो आज मेन आज ऐतिहासिक दिन जो आज हरियाणा पंजाब विधानसभा इकट्ठा ज्वाइंट सेशन हुआ है, गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे तो पंजाब सरकार भी मना रही है, आज वेंकैया नायडू जी भी यहाँ पर आए हैं, तो आज जैसे इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में बताइए और लोगों को संदेश क्या देना चाहोगे इस मुकदस पर्व पर। देखिए आज सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि जो बिल पेश हुए और उसके पश्चात सबका सत्रावसान और उसके पश्चात पंजाब विधानसभा के अंदर एक ज्वाइंट सेशन पंजाब के हरियाणा प्रदेश के सभी विधायकों का पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, जिसके अंदर देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी और पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी विशेष रूप से ब्लेसिंग्स देने के लिए यहाँ पर पधारे और बड़े अच्छे ढंग से श्री गुरु नानक देव जी का जो 550वां प्रकाश उत्सव है उसको मनाते हुए श्री गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं, जो उनका संदेश है, भाईचारे का संदेश है, मानवता का संदेश है, सबको मिलजुल करके रहने का संदेश है, वो संदेश कहीं ना कहीं आदमी है जो वेंकैया नायडू जी ने सभी विधायकों को इसमें के अंदर दिया। और उन्हें मैं समझता हूँ कि अच्छा गेस्चर जो था पंजाब विधानसभा की ओर से उसको लिया गया और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी उस गेस्चर का रिस्पांस बहुत अच्छे ढंग से बड़ी खुशी के साथ से किया और आज ये सत्र पूरा हुआ। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का सत्र जो है आपस के अंदर हो गए तो आपसी जो कुछ मतभेद हैं कुछ विषयों को लेकर के उनका समाधान करने में बहुत आसानी। स्पीकर साहब, जैसे लगता है कि स्पीकर का काम होता है विधायकों को इकट्ठा करके सेशन चलाना, आपको नहीं लगता जैसे आप जैसे स्पीकर बने आपने हरियाणा पंजाब को इकट्ठा कर दिया, इसके बारे में क्या कहोगे आज? जो मैं ये भी सौभाग्य है कि आपके स्पीकर बनने के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हरियाणा पंजाब दोनों का इकट्ठा सेशन हुआ, इसके बारे में क्या कहोगे? ये तो मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि इस प्रकार से दोनों का पंजाब और हरियाणा का इकट्ठा सत्र हुआ और उसमें हमारे विधायकों को भी नए चुने हुए विधायकों को भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा सौभाग्य है, हमारे जो नए चुने हुए विधायक भी आए हैं और जो सभी विधायक आज विधानसभा के सदस्य। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी जो पंचकुला से दूसरी बार विधायक बने हैं और हिस्टोरिकल जीत भी हासिल की है इन्होंने और मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।